दोस्तों क्या हो अगर आपके मन में ख्याल आए कि टीवी ऑन हो जाए और टीवी ऑन हो जाए रियल में। अगर आपको मन में ख्याल आए कि फलना दोस्त के पास कल लग जाए तो ऑटोमेटिक कल लग जाए। आपके मन में ख्याल आए कि मेरा पीठ खजुआ रहा है, खुजली हो रही है, कोई खजुआ दे, वो ऑटोमेटिक खजुआ दिया जाए। यह काम एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक ने एक डिवाइस बनाकर कर दिखाया है। उन्होंने एक डिवाइस बनाया है जिससे इंसानों के दिमाग मस्तिष्क के अंदर लगाने के बाद इंसान जो भी सोचेगा, जो भी फील करेगा, वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाएगा इन्होंने एक बंदर जिसका नाम ओगर है और एक सुअर जिसका नाम ग्रेटिट्यूड है, इन पे प्रैक्टिस किया है, इन पे उपयोग किया है और सक्सेसफुल भी रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए किस तरह से बंदर गया वीडियो गेम के सामने और जूस पीने लगा और जॉय स्टिक से गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से बॉल पे जो बॉक्स आ रहा है उस पे वो टच करके उसको एक सही पॉइंट पे जाने की कोशिश कर रहा है। नीचे देखिए डॉक्टर किस तरह से जो दिमाग बंदर के दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स चल रहा है उसको रीडिंग कर रहा है। अब देखिए ये जो है स्टिक हटा लिया गया है और फिर भी बंदर कितने आसानी से गेम खेल रहा है उस चिप के माध्यम से। अब इसके अंदर चिप लगा दिया गया है, देखिए इतने फास्ट भी कर दिया गया है तो आसानी से खेल रहा है और सोच समझ से खेल रहा है। उसी तरह से इस सुअर को भी देखिए कितनी आसानी से इसको खाने की प्रैक्टिस दिया जा रहा है। इसी तरह से देखिए इस सुअर की दिमाग की न्यूरॉन्स की रीडिंग की जा रही है जो डॉक्टर कर रहा है। एलन भैया ने तुम कमाल ही कर दिया, क्या दिमाग लगाया है इनकी कंपनी ने। ये देखिए एलन मस्क जी के सामने सारी प्रयोग की जा रही है सुअरों पे जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सुअर की ब्रेन की एक्टिविटी को रीड किया जा रहा है। उसी तरह से यह इंसानों के शरीर के अंदर भी काम करेगा और किसी इंसान के शरीर में लगा दिया जाए तो वो कोई भी काम ऑटोमेटिक किया जा सकता है। एलन मस्क का कहना है कि जो व्यक्ति पैरालाइज है या दिमाग से तो सही है लेकिन उनका हाथ कोर पैर काम नहीं कर रहा है उनके अंदर इस प्रयोग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन हर एक साइंस का प्रयोग पहले यही कह कर किया जाता है लेकिन उसका यूज बाद में चेंज हो जाता है। दोस्तों यह डिवाइस एक आपके बाल इतना पतला है जो इलेक्ट्रोड से बना है। इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए बस 1 घंटा ही चाहिए जो इंडक्टिव चार्जर से होता है। एक बार चार्ज कर देने के बाद यह डिवाइस आसानी से दिन भर चला जा सकता है और बिना किसी हरकत के कारण। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेरे दिमाग के अंदर कोई डिवाइस भी लगा है। यह डिवाइस आपको 1 घंटे के अंदर लगाया जा सकता है जो रोबोट लगा देंगे आसानी से और आपको 1 घंटे के अंदर ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है। इस डिवाइस में N1 सेंसर नाम की चिप है जिसमें 96 धागे होते हैं जो डेटा को रीड करेंगे इंसानों के दिमाग को और एक कान के पीछे एक कॉइल लगा होगा जहाँ से सारी जानकारियाँ का आदान प्रदान होगा जैसे चार्जिंग डेटा ट्रांसफर जिससे यूज की जाएगी। यह चिप 4 बराबर है। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसा लगा और यह जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।